पहुंची गई, उधर से लखनऊ से स्टेट के जुड़े थे जिन्होंने अपील डाली वो भी जुड़े थे। उसमें जब साथ मैंने एक तीन लेटर दिखाए, क्योंकि तीन लेटर पर बात आ रही थी 60% और 40%, जब 60% दे रहा है तो 40% भी देना चाहिए राज्य सरकार को, निदेशकों को। और हमने ये भी कहा डबल इंजन की सरकार है फिर तो 60-47% भी हमसे हटाओ, हमें क्यों डालते हो जब डबल इंजन की सरकार है। तो उसे उन्होंने कहा, खैर चीफ साहब ने कहा, खैर ये पॉलिटिकल मोटिव है, इसको छोड़ दीजिए आप, लेकिन है तो सच्चाई। तो इस तरह से ये बात आई कि जब तीन लेटर है HRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के, जिसमें तीन लेटर में उन्होंने कहा कि हम ये दे रहे हैं, 17,000 निदेशकों को देने के लिए तैयार हैं, और ये चीजें सारी चीज रखी गई। तो उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें वो यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट कहाँ है, तो एक केस में तो यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट लखनऊ से जुड़े थे, तो उन्होंने कहा इलाहाबाद यहाँ के यूनियन ऑफ इंडिया के वकील कहाँ है, इसमें क्या अलग स्टैंड है। तो उन्हें बुलाने के लिए मैसेज किया गया, तब तक हम लोग बोलते रहे, अपनी चीज रखते रहे, कोर्ट सुनती रही, उन चीजों को भी सुना, उसको भी सुना, जो एक्ट है उसको भी सुना, इसको भी पढ़ाया उन्हें एक्ट है, क्योंकि एक्ट साफ तौर पर कहता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत अच्छी शिक्षा, वैश्य शिक्षा, अच्छी क्वालिटी वाइज शिक्षा दी प्रदान की जाए। तो क्वालिटी शिक्षा कहाँ से मिलेगी, 7,000-17,000 का ये अनुपात किस तरह से होगा, ये बात उन्होंने कहा। कोर्ट जानना चाह रही थी कुछ ऐसा दिखा दो जिसमें 17,000 देने के लिए ये कहा जा रहा हो कि 17,000 यूनियन ऑफ इंडिया कह रही हो। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर है, HRD मिनिस्ट्री के लेटर है, मान वो भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी करे, हाँ दे देना चाहिए, लेकिन है नहीं हमारे पास, दे तो देना चाहिए लेकिन है नहीं हमारे पास। अब है तो रिसोर्सेज से व्यवस्था करनी है, स्टेट गवर्नमेंट को करनी है, उत्तर प्रदेश सरकार को करनी है की व्यवस्था कौन करेगा, है का नेवल ना तो कोर्ट करेगी ना निदेशक करेंगे, निदेशक तो मर सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, डबल इंजन वाली सरकार में भी आत्महत्या करें तो ये तो दुखद बात है, ये काफी अशोभनीय है, कोर्ट के लिए भी दुखद है, सरकार के लिए भी दुखद है, समाज के लिए भी दुखद है, और जो भी समाज से जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सर्व शिक्षा अभियान के लिए भी दुखद है। सर्व शिक्षा अभियान की व्यवस्था के लिए किया गया, कि अच्छाई के लिए किया गया, कि क्वालिटी वाइज एजुकेशन मिले, तो सर निदेशक लेने के लिए तैयार है। तो थोड़ा सा उन्होंने ये कहा कि जब आप आए यूनियन ऑफ इंडिया के, यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आए पेश हुए, तो उन्हें कोर्ट ने कहा डांट लगाई, कोर्ट ने कहा थे, सुनवाई चल रही, इतना इंपॉर्टेंट इशू है, हम लगातार 4 दिन से सुनवाई कर रहे हैं और आप कहाँ थे, आपको पता ही नहीं, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं हमें जानकारी नहीं थी, हमारा उसमें नहीं था, हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, टेक्निकल, ये उनकी आदत पड़ जाती है, एक्चुअली ये हैबिट पड़ जाती है, भारत सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, जो भी सरकारी संस्थानों की वकालत करते हैं, एकदम अनजानापन, भोलापन, माफी मांगने की प्रतिक्रिया, और मैं गलती हो गई, सॉरी, ये मुझे पता नहीं, और ये नहीं रहा, उनके रूटीन में आ जाता है, बिल्कुल एक आम भाषा उनकी बन जाती है, और कोर्ट की डांटने की आदत पड़ जाती है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने डांटा तो फिर वो कहने लगे नहीं आप हमें 10 दिन का टाइम दे दीजिए। तो कोर्ट ने कहा 10 दिन का मतलब आप फिर वैकेशन ले जाना चाह रहे हो, आप छुट्टी के बाद ले जाना चाह रहे हो, डिले है तो डिले टैक्टिस अपना रहे, डिले टैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम परसों के लिए लगाएंगे, उनको कॉपी सप्लाई कर दो, और जो भी कहना है आपको कहना है तो आपको दीजिए, और इनके हिसाब से तो बनते हैं 17,000, आप कह भी चुके हैं 17,000, एक उनके पैरे में है भी हम 17,000 दे रहे हैं, तो उसका क्लेरिफिकेशन उन्हें करना है, उन्होंने कहा भी उसमें कि 17,000 दे रहे हैं, तो घटा के पहले बढ़ा दो, 17,000 दे दो फिर घटा दो, ऐसा उचित नहीं करेगा, हमारी तरफ से बात कही गई कि बढ़ा दो, मजबूरी का फायदा तो अलग बात है कि 7,000 में भी काम किया था, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा आप तो 7,000 में कर रहे थे, करने को तो कर ही रहे थे, बेरोजगारी तो है ही, उसमें कोई समस्या की बात नहीं, कर ही रहे थे, करने को तो लोग 100 रुपए में भी करते हैं, ये बात की आई की करने की बात अलग है, लेकिन जब देने की बात आ रही है तो उसे मिलना चाहिए, देना चाहिए और उसे होना चाहिए, ये बात सामने रखी गई। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट का रुख अच्छा रहा, उन्होंने सुना और नहीं कहा, उन्होंने कहा 10 दिन नहीं, हम इसको परसों के लिए रखेंगे, अब परसों सुनवाई होगी, इसमें परसों की सुनवाई होगी। और दूसरी बात और लास्ट में मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी देखा कि लगातार ये यहां से कर रहे हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट रखी कि इसको VC से हम ज्वाइन कर लेंगे, दिल्ली से ही ज्वाइन कर लेंगे, जिससे हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी केस हो जाएंगे और ये भी अटेंड हो जाएगा, इसको भी ज्वाइन करके रखेंगे और जहां जैसा बोलना होगा वहां से सुन के वहां भी ज्वाइन कर लेंगे, वहां भी हो जाएगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात पर सहमत कर दी कि ठीक आप वहां से वीसी से जुड़ जाएंगे तो आप वहां से वीसी ज्वाइन कर लेंगे। ये थोड़ी सी अच्छी रही, हमारे लिए भी अच्छी है, और जो यहाँ व्यवस्थापक हैं, अनुदेशक हैं, विक्रम सिंह जी हैं, भोलानाथ पांडे जी हैं, सत्येंद्र सिंह जी हैं, जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, आशुतोष शुक्ला जी हैं और ब्रजेश जी हैं, जो सभी लोग लगे हुए हैं, इनके लिए भी थोड़ी राहत रहेगी और जुड़ लेंगे, और हम चीज इनको भी वो देंगे लिंक से, जिससे ये भी जुड़ लेंगे, वहां से देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे, समझ लेंगे। कई लोगों को कोर्ट में एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि अलाउ नहीं है कोरोना की वजह से, केवल वकील जा पाते हैं, तो कुछ आने वाली स्थिति भी नहीं रहेगी, तो वहां से देख लेंगे, हमें भी राहत लगेगी कि वहां से, और कल जैसे मैटर लगा वहां जाके कर लेंगे, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में लगा है वहां कर लेंगे, इस तरह से ये सुविधाजनक रहा, उन्हें भी लगा कि अब इनको इतनी सहूलियत दी जानी चाहिए, और उन्होंने इस बात को भी सहमत कर दी, नोट करा दिया कि इनको चीफ साहब ने उठते समय लंच के लिए जब उठे कंक्लूड करके को, तो उन्होंने कहा इनको उनको जुड़वा दीजिएगा, लिंक इनको करा दीजिएगा।
जो लिंक जुड़ जाएगा वहां से ये भी हो जाएगा, जो चीजें रह गई उनको भी रख दूंगा मैं परसों में, जो चीजें रह रही हैं। वैसे तो हमने नोट करा दिया, लेटर है सारे यूनियन ऑफ इंडिया, देने की बात दे रहे हैं, लेटर में दे रहे हैं, आदेशों में दे रहे हैं, लिख रहे हैं, करोड़ों करोड़ों के बजट आ रहे हैं, इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़, लेकिन ये 17,000 का हो जाए तो उस बजट में से क्लेरिफिकेशन हो जाए, निकल जाए, आदेश होना है। लेकिन अनरेबल कोर्ट लगातार, हम ये भी नहीं कह सकते क्या चाहती कोर्ट, कुछ सुन तो रहे हैं लगातार, सुनवाई जब कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, अपना भी आज 12 बजे से 1:25 पर उठे, बहुत देर तक सुनते रहे, लंच बीच टॉल लेट किया एक तरह से 10-15 मिनट, वैसे हम जनरली 1 बजे 1:15 बजे कोर्ट उठ जाती है, फिर 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए और सुना, और उसमें ये सब ठीक है, जितना हो सकता है लिंक वहां से जुड़ जाएंगे तो आज हमारा जाना भी हो जाएगा, वहां से भी हो जाएंगे, लोग पड़े हैं दिल्ली में मुझसे मिलने के लिए, होटल पे होटल, टिकट पे टिकट कैंसिल हो रहे हैं, उनको भी रात मिल जाएगी, रात में मिल जाऊं, चाहे सुबह 4 बजे से मिलने लगूं, जब पहुंचूंगा 5 बजे से मिलने लगूंगा।